हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का ये जो व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर हम बातें करेंगे और क्रिकेट से रिलेटेड बातें करेंगे। क्रिकेट से रिलेटेड मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया अपने चैनल पर, तो आई डोंट नो कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं। फ़िलहाल बात ये है कि अभी एक दिन पहले हसनैन स्टूडियो आया था, तो मैंने इंस्टा वगैरह पे स्टोरी लगाई थी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हसनैन कैसे स्टूडियो आया और हसनैन से आपका क्या रिलेशन है। एक्चुअली हसनैन को पीसीबी की तरफ से परमिशन नहीं थी वीडियो शूट वगैरह करने की, तो इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन जो भी शूट किया वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि मेरी क्रिकेट में जर्नी कैसी थी और मैंने क्रिकेट क्यों स्किप की और मेरा हसनैन से क्या रिलेशन है। तो आप पहले वो मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद मैं आपको ये सारी तफसील से बताता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिलहाल यही सब रिकॉर्ड किया था, उसे परमिशन नहीं थी रिकॉर्ड करने की कुछ, तो इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। तो फिलहाल सीन ये है कि पहले आपका भाई क्रिकेट वगैरह खेलता था और 2016 के अंदर मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया था ग्रेजुएशन में, इस वजह से मैं क्रिकेट को टाइम नहीं दे पाता था और इसी वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ी थी। क्योंकि 2016 से पहले आपका भाई सिर्फ क्रिकेट खेलता था, ना हम पढ़ते थे ना हम कोई और काम करते थे, तो ये सारे बंद थे। और क्रिकेट छोड़ने की एक वजह ये भी थी कि मेरा अपने पेरेंट्स से एक वादा था कि अगर मुझे अंडर 19 रीजन नहीं मिलेगी तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। तो अल्लाह के फजल करम से जो हमारे लोग थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उन्होंने हमें नहीं खिलाया था और इस वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी प्रोफेशनली। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ कि हसनैन से मेरा क्या रिलेशन है। हसनैन बेसिकली मेरे सामने आप कह सकते हैं कि बड़ा हुआ है वो। जब मैं अंडर 16 खेल रहा था हैदराबाद रीजन से, तो वो 12 साल का था और वो बहुत छोटा सा था जब वो कैंप आता था, तो उसके साथ हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे। काफ़ी सारे और भी दोस्त, तो अभी तकरीबन इस बात को कोई 4-5 साल हो गए हैं, तो आप माशाल्लाह से उस आज पूरी दुनिया उसको जानती है और माशाल्लाह से वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रह चुका है और अब माशाल्लाह से एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। तो उसकी वो जो जर्नी है वो एक बहुत खूबसूरत है। तो आज क्योंकि मैं तो क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन जब भी कभी वो स्क्वाड में खेल रहा होता है, प्लेइंग 11 में खेल रहा होता है, तो उसके अंदर मैं अपने आप को देख रहा होता हूँ, क्योंकि मैं भी फास्ट बॉलर था अपने रीजन का, लेकिन क्रिकेट मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे खिलाया नहीं था आगे इन्होंने रीजन के अंदर और सिलेक्शन नहीं की थी। और भी कुछ वजूहत थी जो मेरे साथ खेलते थे उनको पता था वो, कि वो मुझे क्यों नहीं खिला रहे। बेसिकली उस वक्त लाइकिंग का बड़ा सीन था, पर्ची का बड़ा सीन था अगर आप कहना चाहें तो। लेकिन माशाल्लाह से हसनैन पाकिस्तान को सर्व करके आया है और अभी उसकी बहुत क्रिकेट बाकी है। काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार उसको वर्ल्ड कप में चांस देना चाहिए था, उसको खिलाया नहीं, और बुरा भला कह रहे हैं हमारे कोच को, कप्तान को। तो ऐसा सीन नहीं है, अभी उसकी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बाकी है। तकरीबन कोई 18-19 साल की अभी उसकी एज है, तो अभी उसकी माशाल्लाह से 12-15 साल वो क्रिकेट खेल सकता है अगर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जाए हमारी बोर्ड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि हसनैन जैसा पेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी का भी नहीं है। तो कल हम जब स्टूडियो के अंदर बैठे हुए थे तो वो मुझे यही बता रहा था कि हसन भाई, जब मैं इंग्लैंड जा रहा था तो मैं इतना फिट नहीं था, लेकिन जब मैं इंग्लैंड में रहा, वहाँ पर जब मैंने जिस तरह से ट्रेनिंग वगैरह की, वहाँ पर कैंप किया, तो मैं बहुत ज़्यादा फिट हो गया और मैं ख़ुद ये महसूस करता हूँ कि अब मैं पहले से अच्छा हो गया हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, उसने पाकिस्तान को सर्व किया है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो पाकिस्तान को आगे भी सर्व करेगा और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि वो बना सकता है, क्योंकि इस वक्त जिस एज के अंदर वो है और जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहा है, आई थिंक, मैं नहीं समझता कि इस वक्त करंटली कोई लड़का पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर भी ऐसा कोई लड़का है जो 150+ KPH पे बॉल कर रहा हो।
तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है और काफी लोग उसको टारगेट भी करते हैं कि दो मैचों के बाद उसको टीम में ले लिया और फला हो गया, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने तो दो मैच देखे हैं उसके, लेकिन उसके पीछे की जो उसकी 10 साल की मेहनत है वो काफ़ी कम लोग जानते हैं। उनमें से मैं भी हूँ, मैंने देखा है कि उसने किस तरह से मेहनत की है, क्योंकि मैंने खुद 4-5 साल क्रिकेट को दिए थे और प्रॉपरली मेहनत की थी, तो उसकी भी 8-10 साल की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दो मैच के बाद पाकिस्तान टीम के अंदर आ गया, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी क्रिकेटर की जो बैक एंड पे मेहनत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सीन था हसनैन का यहाँ पर आने का, तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि मैं भी एक वक्त में क्रिकेट खेलता रहा हूँ और क्रिकेटर रह चुका हूँ। तो अभी भी फ़िलहाल मैं फ़िटनेस के लिए थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन अब वो वाला सीन नहीं है जैसे पहले खेलते थे। पहले तो हम 24 घंटे में से 16 घंटे क्रिकेट खेल रहे थे और कोई काम नहीं होता था। तो बस यही सीन है फ़िलहाल, पाकिस्तान इज़ अ क्रिकेट लविंग नेशन, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट होगा। तो बस ये सीन था। इंस्टा के ऊपर मैंने कुछ स्टोरीज लगाई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो यहीं कहीं मेरा इंस्टा आ रहा होगा, तो आप मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ और अपनी क्रिकेट से रिलेटेड भी स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग था जिसके अंदर मैंने आपको अपनी क्रिकेट के बारे में बताया। तो आई होप इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, हसन शेख साइनिंग ऑफ, पीस।